ये खड़ा यहाँ पर नाट 11 द फेमस, एक ट्रैक्टर को कोई फेमस कर सकता था वो सिद्धू पाजी है। आ गया मसा। हाँ हाँ भाई, पूरा बता जी है, क्यों नहीं पसंद है। भाई दी हवेली है। हाँ जी ठीक है। सारी जगह भाई दी है, उधर भी जगह भाई दी है। क्या बात है, पूरे मतलब एक किला पूरा। क्या बात है, जिहड़े डिजाइन बने हुए है स्पेशल, मेरे ख्याल नाल जयपुर तो या पता नहीं राजस्थान लग रहा है स्पेशल, उन्होंने आके इत्थे मतलब के डिजाइनिंग। नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होगा इस वीडियो को देख के, राइट। 2020 में बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी और बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए। उस टाइम मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों से लिंक बनाए, बहुत मदद से मैं स्पेशली पुलकित भाई के भाई की मदद से मैं वहां तक पहुंचा और ये वीडियो बनाई। और ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मुझे वीडियो 2021 में डाउन करनी पड़ी, 22 के स्टार्टिंग 21 में आप लगा लीजिए। एंड तब से लेके अब तक ना मतलब एक मन में बहुत ज़्यादा वो रहा, क्योंकि लाइफ में इतना बड़ा प्लान ना मैं कभी कर पाया, ना कभी कर पाऊंगा, ना कभी होगा, किसी कोई नहीं कर पाएगा यार ये चीज़। तो उस टाइम जब ये वीडियो डाउन की ना, उसके बाद मेरी फैमिली ने बहुत बोला कि तूने डाउन नहीं करनी चाहिए थी, एंड आफ्टर दैट वी लॉस्ट द लेजेंड, है ना, वो अब हमारे बीच में तो नहीं है बट दिलों में है। तब से लेके ना मतलब मेरे को ना कुछ सोच ही नहीं थी कि मैं इस वीडियो को रीअपलोड करूँ ना करूँ, मतलब मैं खोया हुआ था मैंने वो दिल अभी भी वैसा वैसे, बिकॉज मैं लेवल जब गाना शूट हुआ था मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, मैं तब भी बाजी के सेट पे था वहाँ पे। एंड अब मैंने एक फैसला लिया कि मैं इसको रीअपलोड करूँ, एंड आई होप आप ये इस वीडियो को दोबारा देखोगे। एंड मुझे इस वीडियो पे व्यूज आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे चैनल का सबसे बड़ी वीडियो है और मैं इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने मुझे बख्शी थी मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लेवल लाइफ में जब मैं भी ना हूँ, है ना, और कभी कोई कभी मतलब कुछ हो यार, एक इंटरनेट ऐसी दुनिया, मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेजेंड से मिला हूँ, मैं दुनिया को दिखाऊँ, आई एम सो प्राउड कि मैं मेरी किस्मत इतनी अच्छी है मैं इनसे मिल पाया। यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। सो आज का व्लॉग का जो इंट्रो है वो मैं घर आकर शूट कर रहा हूँ, बेसिकली व्लॉग बन चुका है, तो नेक्स्ट डे मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये व्लॉग की प्लानिंग स्टार्ट हुई ना तब मैं बिल्कुल एक्साइटमेंट के अंदर सब भूल गया था, मतलब यकीन नहीं करोगे मैं इतना एक्साइटेड था, क्योंकि व्लॉग का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये व्लॉग इतना लेजेंडरी है, क्योंकि इसके अंदर है द वन एंड ओनली लेजेंड सिद्धू मूसेवाला पाजी। तो पंजाबी और मतलब बेसिकली हर इंडियन जो पंजाबी म्यूज़िक का फ़ैन है वो सिद्धू पाजी को जानता ही जानता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इस ब्लॉग को शुरू करता हूँ, तो देखिए कैसे मैं सिद्धू पाजी से मिला। और हमने सिद्धू पाजी को से ना कि हम सिर्फ मिले हैं, पाजी के लिए क्या बहुत प्रीशियस गिफ्ट लेके गए थे, तो पूरा ब्लॉग देखना आपको पता लग जाएगा पाजी की लाइफ स्टाइल के बारे में, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग है तो एंड तक देखना। फिलहाल आप पहुँच गए मूसा पिंड, तो पंजाबी और हिंदी मिक्स होने वाला है इस ब्लॉग में, क्योंकि पंजाब के लोग आई थिंक की ऑडियंस जो है ज़्यादा पंजाब की देखेगी। तो फिलहाल मूसे पिंड पहुँच गए हैं और पाजी और सारे साथ में हैं, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अभी अंदर पाजी के घर पे। फिलहाल ये देखो नाट 11 जो मैंने टी शर्ट पाई हुई है, तो ये मैंने स्पेशली अर्बन ठेका से कस्टमाइज़ कराई है खुद के लिए और सभी पाजी मतलब जो हमारे साथ आए हैं उनके लिए, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मन है नाट 11 जो स्पेशल, जिस तुम्हें पता है अगर आप पंजाबी म्यूज़िक सुनते हैं, पाजी का म्यूज़िक सुनते हैं, तो नाट 11 का बहुत ज़्यादा जो है पाजी जिक्र करते हैं। सारे ने वही कहना चाहना कि आज आप खड़े हैं मूसे पिंड में, कैमरामैन पुलकित के नाल, रिपोर्टर पुलकित, कैमरामैन पुलकित के नाल, मिस्टर पुलकित सेठिया पी के। ते फाइनली वी हैव द वन एंड ओनली नो नेम, हले कोई नो नेम, हले कोई नाम नहीं रखा, भरा दा नहीं नाम, वैसे जे ना सोचया नहीं। ओके सर, ओनु ब्रीड दा पता लग गई होनी है मिस्टर डॉगी जी दी। ते हस्की ना तुसी सारे देखो ब्लू आइज है, प्रॉपर ब्लू आइज देखो, लाइट ब्लू आइज से है, ते होने जा रहा है जिहदा नाम इस तो शुरू हुंदा है, ते खत्म हुंदा है, सारी दुनिया उन्हां नूं जानदी है, बिलकुल कुछ लोकां नूं पसंद नहीं है, ये बिल्कुल अपनी मदर पेरेंट्स दोनों ब्लू आईज और बिल्कुल इसी साइड इन्हें लेंस लाए ने, आधा भुल गए
और सबसे बड़ी बात है, आप गेस करो कि ये पपी कितने टाइम का होगा। ये पपी सिर्फ और सिर्फ एक महीने का पपी है। अभी आप देख सकते हो कि इसके भी तो कान खड़े होना शुरू हो जाता है ना, वो भी नहीं हुआ। और इतना हैवी और सबसे प्यारा बच्चा है पूरे लेटर का, जो कि सिद्धू पाजी के पास आज जाने लगा है। तो सबसे ज़्यादा खुश हम सभी हैं, और हमसे भी एक खुश इंसान है, वो है द किड। पसंद आ गया मसा। हाँ हाँ भाई, पूरा बता जिए क्यों नहीं पसंद। तो अभी हम जो है फीड दिखा रहे हैं, ये फीड है ओरिजिन, ओरिजिन की, ठीक है। तो इसको ये रॉयल कैन से भी प्लस ब्रांड है, ओरिजिन जो सा फीड है। ओके, तो वहां को मिल जाता है, इन्हें स्मेल आ गई। ल्यूक वार्म पानी देना, मतलब कोसा पानी देना, कोसे पानी से करना, फिर थोड़ा जाना है और सॉफ्ट भी होगा। की करी जानते हो किट पाजी, ओनो नहीं देना पानी, इन्हें सूखी दे दो। हां जी, करी टेस्ट करिए, लो। और तेज है, अरे तो बहुत तेज है, तो बहुत तेज है। ये खड़ा है यहाँ पर नाट 11, द फेमस, एक ट्रैक्टर को कोई फेमस कर सकता था वो सिद्धू पाजी हैं। तो ये नाट 11 खड़ा है, और मतलब इसके कहीं भी आपने शायद व्लॉग भी देखा होगा। और ये क्या अल्टीमेट यहाँ पर साउंड सिस्टम लगाया पाजी ने, और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना, मतलब जो इसका ये बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। एक स्पेशल बंदे बुलाने हैं, उन्हें अपने चाचा जी है ते अपने पाजी ने। तो चाचा जी तुसी ना थोड़ा जहा सानू ट्रैक्टर बारे जरूर दसना है, 200 की नाट 11 दी, मतलब क्यों नाट 11 क्यों इतना फेमस क्यों हो गया, नाट 11 मतलब की स्पेशलिटी है नाट 11 ट्रैक्टर? एक तो पहला जो लोग रियल से जिन्हें ट्रैक्टर वरते थे एच पी सब तो ज्यादा सी, हॉर्स पावर। हाँ, पहला 35-47 हॉर्स पावर, ओके, 59 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। ओके, स्टार्टिंग से जो 35 या पहला 47 हॉर्स पावर ट्रैक्टर आते जो लोग ऊन यूज करते थे, ये सब तो वो पावर वाला ट्रैक्टर उदो शुरू चलते थे। क्या बात, बन गया फिर गल चाचा साडे ताकड़, चाची साडे ताकड़ है ना, मेन मेन मैन।
तो ये चीज़ ना मुझे मुझे शौक नहीं था खास ट्रैक्टर का, बट ट्रैक्टर देख के जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है पाजी के। तो पाजी भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, मैं अपना एक्सपीरियंस लास्ट में शेयर करूँगा पाजी के लिए। और जट कहते नाठ ग्यारह नहीं, नाठ ग्यारह जो है बेसिकली इतना पावरफुल है कि ये अच्छे से अच्छे, मतलब उस टाइम के जब ये आया था कि अच्छे से अच्छा लोड जो है खींच सकता है। तो जैसे पाजी के गाने में भी है कि जट कहते नाठ ग्यारह नहीं, तो मतलब पाजी जो है पाजी मतलब असलियत है कि पाजी च इन्ना जोर हैगा है ना, मतलब दम हैगा पाजी ची, सारी इंडस्ट्री में खिची फिरते हैं है ना, तो वो चीज़ सब तो वधिया लगती है मैनू। तो अपने सारे भरा खड़े ने अंदर जो पाजी बैठे हैं, तो ये यो द किड बन ली भाई। तो आ देखो गोल्फ कार्ट है बेसिकली पाजी गिफ्ट की ओके ग्रेट बंदे ने डायरेक्ट की दो बंदे बड़े ग्रेट सीगे मैं है ना, चलो एक हनी वीरा जिन्ना करके वीडियो हिट हुई सी दो बंद एक सिद्धू वीरा मल्टी टैलेंटेड कहने लग गए म्यूजिक भी बना लैंदा है ना, गाने भी गा लैंदा है, शॉर्ट भी ले लैंदा भाई यार साडा है ना यार, डीओपी भी कर फिल्म मेकर है यार बंदा यार अभी हम जहाँ से आए हैं वो थी पाजी का, जो वहाँ पे फिलहाल पाजी वहाँ पर रह रहे हैं, और ये है पाजी का जो नई हवेली हम कह सकते हैं, जो गाना नहीं है जी टी रोड उत्ते किले की हवेली है, तो वो हवेली ये तैयार हो रही है। लाइन बिलकुल मैच करती है, तुसी देख सकते हो प्रॉपर इनू हवेली टाइप बनाया जा रहा है। आ देखो आ सामने खिड़कियां देख सकते हो तुसी, ते हले बिल्कुल मतलब स्ट्रक्चर रेडी है, बट हले सारा काम होना है, बहुत बेसिक टाइम लगेगा मेरे हिसाब नाल, ते कंस्ट्रक्शन चली जाती है इत्थे, ते बहुत सुपर्ब लोकेशन है, इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट लोकेशन। ते वो एंट्री है जिदा हवेली होंदी है ना प्रॉपर, अते डिजाइन बने हुए है स्पेशल मेरे ख्याल नाल जयपुर तो या पता नहीं राजस्थान लग रहा है स्पेशल उन्होंने आके इत्थे मतलब के डिजाइनिंग हुई। क्या बात है, हैंड क्राफ्टेड है ना सारा का सारा। हां जी क्या बात है, तो आप देख सकते हो इधर से डिजाइनिंग। अभी अंदर का स्ट्रक्चर मैं नहीं आपको दिखाने वाला, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर पाजी चाहे वो आपको दिखाए, तो यहाँ से ऐसे एंट्री कुछ है। तो ये देखो पूरा एक स्ट्रक्चर, और जो खिड़कियाँ देख सकते हो वट अ डिज़ाइन ऊपर देखो यार, वो देखो तो वो चीज़ बहुत अलग लग रही है और बहुत मज़ेदार है। तो मच पुलकित वीरे, थैंक यू सो मच हनी वीरे, पुलकित हनी वीरे थैंक यू सो मच मैम पीके ओके वीरे। तो दैट हमारा व्लॉग एंड हुआ, एंड मेरी लाइफ में मैं कभी दोबारा ना मिल पाया, मतलब मेरी किस्मत बहुत अच्छी है यार, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं सिद्धू भाई से मिला लाइफ में, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले जिन्होंने मेरे को उनसे मिलवाया, एंड कुछ भी रीजंस रहे बट वो ही वाज द वन एंड ही इज द वन। थैंक यू सो मच सिद्धू भाजी, आज आप जहाँ भी हैं सिद्धू भाई, आज आप जहाँ भी हैं थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर मी, यू डिड फॉर माई फ्रेंड्स, इवन फ्रेंड्स जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता मैं क्या बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर लेजेंड, यू आर अ लेजेंड, यू विल बी अ लेजेंड, लेजेंड नेवर डाइज, रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच सिद्धू मूसेवाला। हो आन लिमिटेड चलदे आ बहरनी आ, लिमिटेड अकाउंट ने ब्रेथ दे, मैं दुनिया दे ऑपोजिट चलदा ते पैरेलल चलदा आ डेथ दे, कईयां दे तां दिलां विच रहिना आ, कईयां दे तां समझो भी बहारनी, जंगा विच इहो जिही आउंदी मिठी ए, ते लै जड़ां च आउंदा तेरा यार नी, जंगा विच इहो जिही आउंदी मिठी ए, लै जड़ां च आउंदा तेरा यार नी।